नमस्कार मित्रों, मैं भानु भार्गव आज मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान नामक चैप्टर लेकर के आया हूं। और भारत में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था वो 1972 में जीव जंतुओं को विशेष संरक्षण प्रदान करने के लिए, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 में पारित किया। देखते हैं मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है और यह 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश का अगर देखा जाए कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान है और यह 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, यानी आधा किलोमीटर से भी कम क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। और यहाँ पर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, ये यानी पादप और जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं फासिल राष्ट्रीय उद्यान में। देखते हैं कौन से राष्ट्रीय उद्यान मैप के माध्यम से कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो मुख्य रूप से राष्ट्रीय उद्यान में उनके जिले पूछ लिए जाते हैं और क्या विशेषताएं हैं उस राष्ट्रीय उद्यान की। तो मैप के माध्यम से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपके थोड़े से दिमाग में बैठे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। तो चलते हैं देखते हैं मध्य प्रदेश का जो पहला सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो मंडला में स्थित कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे अधिक टूरिस्ट इसी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। 1935 में अभ्यारण्य के रूप में ये स्थापित हुआ था कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। 1955 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त हुआ, यानी मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1955 में स्थापित हुआ था कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट योजना प्रारंभ की गई। साथ में इसकी एक विशेषता और है, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है जो कि पूरे विश्व में और कहीं पर नहीं है। ब्रेडरी प्रजाति का स्पेशली किस प्रजाति का, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। आप सभी को पता है कि बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। इसके अलावा यहाँ पर होलो व बंजर घाटी, होलो व बंजर घाटी ये दर्शनीय स्थल है, इसी में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में है। इसके अलावा अब नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान पे चलते हैं। तो शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान है और ये 1958 में स्थापित हुआ था। मध्य प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पर जो स्थल हैं वो शांख सागर झील है। इसके अलावा जॉर्ज कैसल नामक एक कोठी है और नेशनल हाईवे क्रमांक 3 इस राष्ट्रीय उद्यान से माधव राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरता है। तो ये इसकी विशेषताएँ हैं। साथ में टाइगर सफारी के लिए भी माधव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अपन राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान दूसरा सरिस्का कहा जाता है। सरिस्का राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य है ये राजस्थान का अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य है और यहाँ पर एक अग्निकांड हुआ था। ठीक इसी प्रकार से अपन देखें तो मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में एक अग्निकांड हुआ, इसलिए इसे दूसरा सरिस्का कहा जाता है। यहाँ पर रेप्टाइल पार्क है, यानी रेंगने वाले जीव जंतुओं के लिए विशेष संरक्षण प्रदान किया गया और यह राष्ट्रीय उद्यान 1981 में स्थापित किया गया था, यानी राष्ट्रीय उद्यान बना 1981 में। नेक्स्ट चलते हैं सीधी जिले में, और सीधी जिले में संजय राष्ट्रीय उद्यान है और ये 1981 में स्थापित हुआ था। पहले ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था, संजय डुबरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन डुबरी राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ में चला गया, पहले इसका टोटल एरिया 1938 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, लेकिन वर्तमान में ये 467 किलोमीटर मध्य प्रदेश में स्थित है और अभी ये टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित है। इसके बाद चलते हैं उमरिया जिले में। उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है इसका कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा इसमें सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, तो सफ़ेद शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इसके अलावा सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें सबसे अधिक बाघ घनत्व है, यानी कम क्षेत्रफल में प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, और सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में
स्थापित किया गया था। इसी प्रकार चलते हैं डिंडोरी ज़िले में। डिंडोरी ज़िले जो कि यहाँ पर फासिल राष्ट्रीय उद्यान है, 1968 में ये स्थापित किया गया था। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर पादप और जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं और ये राष्ट्रीय उद्यान 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। तो मध्य प्रदेश का अगर पूछा जाए सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फासिल राष्ट्रीय उद्यान है और ये 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं, छिंदवाड़ा में स्थित पैंच राष्ट्रीय उद्यान। पैंच राष्ट्रीय उद्यान 1975 में स्थापित हुआ था, यानी राष्ट्रीय उद्यान बना था ये। यहाँ पर मोगली लैंड स्थापित हैं। आप सभी ने देखा होगा जंगल बुक नामक मूवी में एक मोगली नाम का जो बच्चा है वो किस प्रकार से जानवरों के बीच में रह करके पला बड़ा, तो वही ये सतपुड़ा या छिंदवाड़ा के जंगलों में या छिंदवाड़ा में स्थित पैंच राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता था। और यहाँ पर मोगली लैंड स्थापित है और ये राष्ट्रीय उद्यान छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में फैला हुआ है। इसमें सिवनी व छिंदवाड़ा जिले में, इसके अलावा इसका एरिया पैंच राष्ट्रीय उद्यान का जो एरिया कुछ महाराष्ट्र में भी है और महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले में स्थित है। तो कभी कभी ऑप्शन में मध्य प्रदेश ना आते हुए पैंच राष्ट्रीय उद्यान का क्वेश्चन आ जाता है कि पैंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में, और अगर मध्य प्रदेश है उसमें तो पैंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा अब इसका नाम नया नाम बन रख दिया गया, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो किस राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, तो पैंच राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। पैंच नदी इस राष्ट्रीय उद्यान को दो बराबर भागों में बांटती है, एक पूर्वी हिस्सा जो कि सिवनी में स्थित है और पश्चिमी हिस्सा छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। अब चलते हैं अगले होशंगाबाद जिले में। होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और ये कृष्ण मृग काले मृगों के लिए प्रसिद्ध है, ये टाइगर प्रोजेक्ट भी है। और नेक्स्ट हम चलते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान पे, भोपाल। भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, ये बड़े तालाब के पास में स्थित एक पहाड़ी पर बना हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, 1979 में स्थापित। एकमात्र मध्य प्रदेश का सर्प उद्यान है, सांपों के लिए यहाँ पर विशेष संरक्षण प्रदान किया गया। तो पूछा जाता है सर्प उद्यान मध्य प्रदेश का कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है या सर्पों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। नेक्स्ट चलते हैं खंडवा जिले में। खंडवा जिले में ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 2004 में बनाया गया था। इसमें सभी प्रकार के जीव जंतुओं को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। अब देखते हैं अगला राष्ट्रीय उद्यान, धार जिले में स्थित डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान जो कि 2010 में स्थापित मध्य प्रदेश का 11वां राष्ट्रीय उद्यान है। और इसमें इस राष्ट्रीय उद्यान को डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, धार जिले में स्थित है पश्चिम में एकदम, और सेरोपोड परिवार के डायनासोर यहाँ पर पाए जाते हैं। यह जो डायनासोर थे, यहाँ पर जो डायनासोर के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो 6 करोड़ वर्ष पुराने प्राप्त हुए हैं। सेरोपोड परिवार के डायनासोर जो थे वो शाकाहारी डायनासोर थे और इनकी हाइट 20 फीट से 30 फीट हुआ करती थी। तो डायनासोर के यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए, इसलिए इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है और ये भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है डायनासोर के लिए और कहाँ पर है, धार जिले में। तो इसके अलावा हम देखते हैं मध्य प्रदेश के जो 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं उनमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर है। प्रोजेक्ट टाइगर 6 राष्ट्रीय उद्यान में, और ये 6 याद करने की कौन कौन से 6 हैं, तो एक एसपी साहब हैं और उनका नाम क्या है, बीके। इस ट्रिक के थ्रू अपन इसे याद कर लेंगे कि एसपी साहब हैं और उनका नाम क्या है, बीके। तो एसपी बीके, इसे ध्यान आएंगे, एस से अपना हो जाएगा संजय राष्ट्रीय उद्यान और एस से सतपुड़ा, पी से हो जाएगा पैंच राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बी से बांधवगढ़ और के से कान्हा कृष्णी राष्ट्रीय उद्यान।
इन 6 राष्ट्रीय उद्यानों में टाइगर को संरक्षण प्रदान किया गया मध्य प्रदेश के। तो इसकी ट्रिक आप SPV के से ध्यान रखना, S से हो जाएगा संजय सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, P से पैंच और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, B से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, K से कान्हा किसली। और मध्य प्रदेश में जो सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट योजना प्रारंभ हुई थी वो 1974 में किसमें शुरू हुई थी, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, और भारत में सबसे पहले हुई थी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में 1973 में। इसके प्रणेता कान्हा जो टाइगर प्रोजेक्ट के हैं कैलाश श्रृंखला हैं भारत में, ये आप सभी को पता होगा। साथ में इसके जन्मदाता जो टाइगर प्रोजेक्ट के हैं वो वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए तो गैनी मैनफोर्ड हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान का चैप्टर आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा, और आप सभी के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप किस चैनल किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो वो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाइए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा नया वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूँगा। धन्यवाद।